हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो टिकटी सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं ये आपको थंबनेल देख के समझ में आया होगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी कौन सी भी शॉर्ट वीडियो रहेगी उसे वायरल करना है, ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी टिप्स बता दी है, उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी भी शॉर्ट वीडियो रहेगी वो ज़रूर वायरल हो जाएगी। तो आइए बढ़ते आगे। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी जाके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत दिखाना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आपको टिप बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको भी समझ में आए कि मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो भी यूट्यूब चैनल है ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये अपना यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद नीचे मैं दिखा देता हूँ कंटेंट में मैंने भी कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। तो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ सिलेक्ट करके बताता हूँ कि मैंने कौन सी वीडियोस अपलोड की थी और कौन सी अच्छी वायरल हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी पहली शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने पहले अपलोड की थी। तो आप देख सकते हो उसके व्यूज़ भी सिर्फ 16 ही आए थे, मतलब 16 व्यूज़ यहाँ से सिर्फ आए थे। तो अभी हम इसका एनालिटिक्स देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि इसके व्यूज़ कहाँ से आए थे। तो मैं यहाँ पर एनालिटिक्स पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एनालिटिक्स इसके। तो सिंपली हमें जाना है रिच में, रिच में जाते आप देख सकते हो यूट्यूब सर्च से 25% व्यूज़ थे, ब्राउज फीचर से 18, नोटिफिकेशन से 18, चैनल पेज से 12.5 एंड शॉर्ट से 12.5। मतलब शॉर्ट से भी व्यू आए थे लेकिन कम आए थे, 12.5 व्यू आए थे। ऐसा क्यों आए थे मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं दिखाता हूँ दूसरी शॉर्ट वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी। तो जाता है वो बैक एक बार। तो बैक जाने के बाद दूसरी दो वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी शॉर्ट्स की, मैं आपको बता देता हूँ ये दो वीडियोज़ है शॉर्ट्स के अपलोड किए थे वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 233 व्यूज़ आए थे एक पर और दूसरे पे 143 व्यूज़ आए थे। तो अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ एनालिटिक्स। तो जाते हैं पहले वीडियो के एनालिटिक्स देखते हैं। तो हम आ गए एनालिटिक्स में। तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर आप पहले देख सकते हो यहाँ पर 233 व्यूज़ है। अब उसके बाद हम जाएंगे अभी रिच में, रिच में जाके आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए 77% व्यूज़ शॉर्ट्स से आए थे। और पहली वीडियो हमने देखी थी वहाँ पर 1.25% कुछ तो व्यूज़ थे वो शॉर्ट्स से आए थे, यहाँ पर 77% व्यू शॉर्ट्स से आए थे। अभी ये व्यूज़ यहाँ पर क्यों आए थे और उस वीडियो में क्यों नहीं आए थे वो मैं सब आपको आगे ही बताऊँगा टिप्स को बताने के वक्त। तो ये हो गई एक वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ जाते एक बार बैक। बैक जाने के बाद जिस तरह मैंने आपको कहा था ये दूसरा वीडियो, उसका भी एनालिटिक्स देखेंगे। अब यहाँ पर भी एनालिटिक्स ओपन होते देख सकते हो 142 व्यूज़ है। रिच में जाएंगे सिंपली, रिच में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 77% व्यू शॉर्ट्स से आए थे, ब्राउज फीचर से 13% है और डायरेक्ट और अनाउंस से 4.2 एंड यूट्यूब सर्च 1.4, नोटिफिकेशन 1.4। नोटिफिकेशन से भी किसने हमारे वीडियो को नहीं देखा था। ऑलमोस्ट 77% व्यूज़ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ शॉर्ट्स वीडियो से आए थे। तो गाइस, ये थी मैंने अपलोड की हुई वीडियो जो अच्छी वायरल हुई थी, ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। तो अभी हम बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो टिप्स गाइस इजी टिप्स है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना नहीं है ज़्यादा मेहनत या कुछ। फ्रेंड्स, आप सबके पास मोबाइल रहता है तो अपने मोबाइल में मिनिमम 3 अकाउंट होने चाहिए। तो गाइस, पहली टिप है कि आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हो उस मोबाइल में आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए, बराबर। दूसरी टिप है कि आप जब वीडियो बनाते हो शॉर्ट्स की, तो जब काइनमास्टर यूज़ करते हो आप, तब आपको सिंपली रेशो कौन सा यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो रेशो देखने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, क्लिक उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है 1:1। तो आप सिंपली 1:1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसी रेशो में आपको शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाना है, ओनली शॉर्ट्स के लिए। तो ये हो गया टिप नंबर 2। अभी हम बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो टिप नंबर 3 है परफेक्ट टाइमिंग, मतलब जब आपके सब्सक्राइबर जो भी रहते हैं आपकी वीडियो पसंद करते देखने के लिए, तो जब वो सब्सक्राइबर ऑनलाइन रहते हैं तो उसी वक्त आपको डाल देनी है वीडियो। तो मैं जब मेरी वीडियो डालता हूँ वो वीडियो डालने का टाइम है मेरा 8 to 10 के बीच में डालता हूँ, क्योंकि तभी मेरे सब्सक्राइबर्स एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तब वो मेरी वीडियो देखते हैं। तो आपको भी वो जानना पड़ेगा कि आपके सब्सक्राइबर कब ऑनलाइन रहते हैं वो जानिए, और उसके बाद आप वो अपना शॉर्ट्स यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो 4 टिप है, वीडियो डालने के बाद हमें सर्च कैसे करना है अपनी वीडियो को दूसरे अकाउंट से, तो यहाँ पर भी आपको अपनी फर्स्ट वाली टिप यूज़ होगी। तो हम पहले फर्स्ट वाली टिप को कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। सिंपली मैंने कहा था कि आपको अपने मोबाइल में 3 अकाउंट होने चाहिए। तो 3 अकाउंट मतलब एक अपना नॉर्मल यूट्यूब वाला अकाउंट, दूसरा आपका नाम का अकाउंट, या तीसरा आपका जो भी अकाउंट रहेगा वो नॉर्मल, मतलब एक यूट्यूब का अकाउंट चाहिए और दूसरे दो रिमेनिंग रहेंगे वो आपके नॉर्मल यूट्यूब नहीं तो दूसरे कौन से तो अकाउंट होने चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंट का फ़ायदा क्या होता है वो जानिए।
क्योंकि जब आप वीडियो डालते हो तो उस पर स्टार्टिंग में अगर व्यू नहीं आते तो आपको ही अपने अकाउंट से व्यूज़ देने हैं वहाँ पर, मतलब अपने अकाउंट से वीडियो देखनी है जो भी रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी वो देखनी है, और उसके बाद आपको वहाँ पर व्यू काउंट हो जाएंगे। सेकेंड टिप का फ़ायदा ऐसा है कि हम जब 1:1 में वीडियो बनाएंगे तो हमारी वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैंने भी जब नॉर्मल वर्टिकल व्यू रहता है अपने मोबाइल का उस रेशो में वीडियो बनाई थी जो मैंने आपको पहले दिखाई ये वाली वीडियो, तो आप देखो तो उसके व्यूज़ सिर्फ कितना 16 व्यूज़ आए थे। बट यही वीडियो शॉर्ट वाली मैंने जब दूसरे मैंने आपको बता दिया 1:1 वाला रेशो उसमें पता बनाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर व्यूज़ कितने आए थे, 233 और 143 व्यूज़ आए, मतलब लगभग इन दोनों की टोटल की जाए तो 350 के ऊपर ही है। तो आपको भी 1:1 रेशो में बनाने शॉर्ट्स वीडियो एंड अपलोड कर देनी है। तीसरी टिप मैंने आपको बताई थी कि टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग के बारे में आपको पहले बता दिया था, क्योंकि जब आपके सब्सक्राइबर रहेंगे एक्टिव तभी आपको व्यूज़ जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और चौथी टिप है गाइस सर्च की, तो मैंने जब जैसे आपको कहा था कि आपके अकाउंट होने चाहिए, तो जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो अपलोड करने के बाद आपको सिंपली दूसरे अकाउंट पे स्विच करना है, स्विच करने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर सर्च करना है जो अपने आपको शॉर्ट का टाइटल रखा था, तो टाइटल आपको सर्च करना है या उसका रिलेटेड आपने जो भी टैग लगाकर लिखा होगा वो टैग आपको वहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने आपकी वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो आपको देखनी है। अगेन आपको आपका जो भी दूसरा रिमेनिंग अकाउंट होगा उस पर जाना है, उस पर जाने के बाद आपको रिटर्न सिंपली वो सर्च करना है आपका जो भी शॉर्ट वीडियो का टॉपिक या टैग डाला हुआ होगा वो रिटर्न आपको वीडियो देखनी है। वही सेम प्रोसेस अगर आपका भाई या आपकी बहन रहेगी, आपके डैड या मॉम रहेंगे, तो उनके मोबाइल से आपको यही सेम प्रोसेस करनी है, और उसके बाद आपके शॉर्ट वीडियो के चांसेस बढ़ते हैं वायरल होने के। तो यही थी आज की वो 4 टिप्स, ये टिप को आप ज़रूर फॉलो करो, आपकी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर वायरल होगी। बट गाइस ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपकी शॉर्ट वीडियो कुछ वायरल नहीं हो सकती टाइमिंग की वजह से या कुछ व्यूज ना आने की वजह से, बट गाइस डोंट वरी, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते रहना, आपकी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।